विजय गोयल जी ने कहा है कि हमारी सारी पार्टी चुनावी मूड में है, चुनावी मोड में इस समय आज से बहुत तेज़ी से काम को शुरू करें। कर तो बहुत दिनों से रहे हैं, लगातार पिछले 5 साल लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, आंदोलन होते रहे हैं, बाकी सब चीज़ें होती रहीं, परंतु अब आकर के जबकि चुनाव में अब लगभग 2-2.5 महीने का समय बचा, कब होंगे चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के, इकट्ठे होंगे कि अलग अलग होंगे इसको तय करेगी, परंतु ज़्यादातर अपेक्षा ये है कि दिवाली के बाद से चुनाव किसी भी समय उसके बाद हो सकते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी प्रारंभ की गई है और चुनाव की जो प्रक्रिया है सदस्यों के चयन करने की उसको प्रारंभ कर दिया गया। अभी आपको बताया कि प्रमुख विषय महंगाई, भ्रष्टाचार और दिल्ली सरकार का सब मोर्चों पर फेल होना, ये प्रमुख मुद्दे। हमने महंगाई का मुद्दा तो कल विधानसभा में उठाया ही था जो कि बहुत ही महत्व का विषय है, और आज जैसे डॉलर की कीमत चढ़ते चढ़ते 67 पार कर रही है, 68 पार कर रही है, अब कह रहे हैं कि 70 तक जाएगा, 3-4 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाने की बात की जा रही है, और सब्जियां और ये जो हैं सब इनके अंदर इतनी भयंकर महंगाई हो रही है, प्याज में, सब्जियों में, और उसके साथ बिजली और पानी के बिल जो 15-15 गुना आ रहे हैं, ये सब विषय कल उठाए गए थे। 2 विषय इन दिनों में एकदम और आ गए सामने। कल प्रदूषित पानी से एक और मौत हो गई, और पहले भी 2 व्यक्ति प्रदूषित पानी पीने से उनकी मृत्यु हुई थी। कल ये मामला ज़ोर से उठा था कि बहुत से इलाकों में पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, और शीला दीक्षित जी ये कह रही थी कि बिना कोई प्यासा तो दिल्ली में मरा नहीं, प्यासा तो नहीं मरा है, परंतु बहुत भयंकर तरीके से प्रदूषित पानी सबको मिल रहा है। टैंकरों का पानी प्रदूषित है, हैंडबिल का पानी प्रदूषित है, बोरवेल का पानी प्रदूषित है, उसमें संख्या पाया जाता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक मौत कल ही हुई है। ये विषय हम कल विधानसभा में ज़ोर से उठाएँ और इसको भी बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। जैसे अभी विजय गोयल जी ने कहा कि छठ पूजा पे हम लोग छुट्टी करेंगे, अब छठ पूजा पर यमुना में जा कर के अर्घ दिया जाता है सूर्य को, पर यमुना तो पानी है ही, उसका इतना प्रदूषित पानी है, एक नाले के रूप में यमुना बह रही, तो यमुना को स्वच्छ करना ये भी हमारी प्रायोरिटी में होगा, क्योंकि वहाँ पर जा कर के लोग यमुना का पानी अर्घ के तौर पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि यमुना के अंदर नहाना दूर की बात है, अगर उसमें पैर भी रख दें तो पैर में बीमारी हो जाएगी, इसलिए उसके अंदर कदम भी नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यमुना जो है एक गंदा नाला है, इसको नदी कहना भी एक तरह का पाप है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण की पटरानी के रूप में यमुना है, सूर्य की पुत्री है, और यमुना भी इन्होंने 14 साल में 14 गुना ज़्यादा मैला कर रखा है, तो भी हमारी प्रायोरिटी होगी इसको करने में। एक और कल आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि ये जो फिटनेस व्हीकल फिटनेस का स्कैम था, इस स्कैम को LG ने बंद करने की घोषणा कर दी है कि इसको बंद कर दिया जाए, और जिन अफसरों को इस समय उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसको भी बंद करने की बात हो रही, तो वो भी हम उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे इसको बंद किया जा सकता है, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उसमें बाकी भी मंत्री बहुत से उसके अंदर आते हैं, मुकदमा हम सब पे चलना चाहिए, उसका भी विरोध करेंगे। और भ्रष्टाचार के तो पिछले 14 साल के तो बहुत विषय हैं, परंतु 5 साल के तो इतने विषय इकट्ठे हुए हैं, उसकी भी एक पुस्तिका हम तैयार कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी इस 5 साल की इनकी भ्रष्टाचार, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और लापरवाही और सब मोर्चों में फेल होना, उसको ज़ोर से रखेंगे। अनधिकृत बस्तियों का और झुग्गी झोंपड़ी का कल हमने मामला उठा चुके हैं, और उस मामले को भी आगे बहुत ज़ोर से सब जगह ले जाया जाए।